हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। आज हम बात करेंगे कि क्या होता अगर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में कार्वस ग्लेव ने विजन को स्टेप ना किया होता। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज टाइम पर मिलती रहे। आप सभी ये अच्छे से जानते होंगे कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में कार्वस ग्लेव ने अपने स्पीयर को विजन के पीठ से आर पार कर दिया था। उसका स्पीयर इतना स्ट्रॉन्ग था कि वाइब्रेनियम से बनी हुई एक रोबोट की बॉडी के आर पार चला गया, जिसकी वजह से विजन घायल तो हुआ और साथ ही वो अपने कुछ पावर्स को यूज़ नहीं कर पा रहा था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पावर थी डेंसिटी कंट्रोल। आपने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में विजन को ये पावर यूज़ करते हुए देखा होगा। इसका यूज़ विजन ने सबसे पहले हॉकाई से लड़ते हुए किया, जिससे क्लिंट का विजन पे किया गया कई बार विजन की बॉडी से सीधा पार हो गया। और फिर एयरपोर्ट बैटल पे जब एंटमैन जीएंटमैन बन जाता है तब विजन डेंसिटी कंट्रोल करते हुए उसके आर पार चला जाता है। ये पावर विजन इन्फिनिटी वॉर में कहीं यूज़ नहीं कर पाया, जिसका रीज़न यही हो सकता है कि कार्वस ग्लेव ने स्टार्ट में ही विजन की बॉडी को डैमेज कर दिया था, जिसकी वजह से विजन कई पावर्स यूज़ नहीं कर पा रहा था और पूरी मूवी में वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दिया था। अगर कार्वस ग्लेव विजन को स्टेप ना किया होता तो विजन इतना कमज़ोर नहीं पड़ता, और अगर वो डेंसिटी कंट्रोल कर पाता तो कार्वस ग्लेव और प्रॉक्सिमा मिडनाइट का विजन के सर से माइंड स्टोन निकालने की कोशिश करना तो दूर की बात है। थानोस भी उसके सर से माइंड स्टोन नहीं निकाल पाता, तो क्या तब थानोस छठवां इन्फिनिटी स्टोन माइंड स्टोन हासिल नहीं कर पाता? तो इसका जवाब है कि फिर भी थानोस माइंड स्टोन को हासिल कर सकता था, क्योंकि जब थानोस विजन तक पहुंचा तब तक उसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन थे, जो कि यूनिवर्स के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट हैं, और उसमें एक स्टोन था रियलिटी स्टोन, जो किसी भी रियलिटी को चेंज कर सकता था, जिसका यूज़ करके थानोस नोवेयर पे गार्डियन ऑफ गैलेक्सी को ट्रिक करता है और स्टार लॉर्ड की गन को बबल सूटर बना देता है। तो ये स्टोन यूज़ करके थानोस विजन से माइंड स्टोन तो ले ही सकता था, पर फिर भी अगर विजन इन्फिनिटी वॉर में फुल पोटेंशियल में होता तो इन्फिनिटी वॉर के कई फाइट्स का रिजल्ट कुछ और होता। जैसे कि स्कॉटलैंड की फाइट में कैप्टन एंड टीम के पहुंचने से पहले ही वांडा विजन मिलके प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कार्वस ग्लेव का कचूमन निकाल चुके होते, और वकांडा बैटल में जहां विजन लैब में था और बाकी हीरोज उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, वहीं विजन भी उन हीरोज के साथ आउटसाइडर से लड़ रहा होता, जिनका विजन से जीत पाना लगभग नामुमकिन था। तो दोस्तों, ये थी कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो कि पॉसिबल हो सकती थी अगर कार्वस ग्लेव ने विजन को स्टेप ना किया होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। आपके हिसाब से कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।